वहीं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 53 डोडा वेस्ट के आज़ाद उम्मीदवार स्वर्णवीर सिंह जराल ने प्रचार मुहिम को तेज करते हुए कास्तीगढ़ के चिल गांव का दौरा किया। प्रचार में जनता को भाषण के दौरान जनता से कहा कि यह आज जो लीडर आपके घर घर वोट मांगने आ रहे हैं, यह इन 10 वर्षों में कहाँ सोए हुए थे, आज वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता इनके झांसे में न आए। उन्होंने कहा कि स्वर्णवीर सिंह जराल जनता के हित की बात पहले ही करते आए हैं और आगे भी जनता के हक के लिए लड़ते रहेंगे। स्वर्णवीर सिंह जजाल ने कहा है कि 18 सितंबर 2024 को सभी अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर टॉर्च वाले बटन को दबाकर भारी वोटों से विजय बनाए। सबसे पहले तो सबको जयदेव नमस्कार आदाब। आपने देख लिया कि मिशन बदलाव का जो हमारा एक नारा है वो कितना तेजी से वायरल हो रहा है और कितनी तेजी से इसमें बढ़ोतरी हो रही है कि तेजी से यहाँ यूथ जुड़ रहा है। मिशन बदलाव एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने चूज किया था क्योंकि ये ऐसी चीज है, हर घर से जुड़े हुए इश्यूज को हम रेज कर रहे हैं और अब आज से नहीं बहुत टाइम से। आज का जुमा जुमा 2 दिन नहीं हुए हैं इलेक्शन की, जैसे अनाउंसमेंट हुई उसके बाद लोग आके यहाँ सियासी मंच सजा रहे हैं, बट हमारा मंच हमारे मेहनत 8-9 साल कंटिन्यू यही चल रही है कि मिशन बदलाव। अनाउंसमेंट के बाद हम लोगों को देख रहे हैं कि आजकल लोग घर घर जा रहे हैं, हाँ हैंडशेक कर रहे हैं, अपनी बातें मनवा रहे हैं ऐसा, लेकिन पहले कहां सोए थे ये लोग? यूथ की बात इन लोगों से हुई नहीं। डंडे खाने से लेके रोड़े बंद करने तक, उससे लेके FRM तक हम लोगों पे लगी। क्यों? कंटिन्यूसली हम मिशन बदलाव को नारे को बुलंद कर रहे थे कि हमारे लोगों की बात सुनी जाए, यूथ की बात सुनी जाए। चाहे स्टेट लेवल की अगर आप बात करो, जहां बच्चों को नौकरियां प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, एज में रियायत नहीं मिल रही है, बच्चे सड़कों पे हैं, हमारे लोकल प्रोजेक्ट्स, दूर मत जाओ, डोडा रमन किश्तवाड़ में अगर आप देखो ये कितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या यहाँ हमारा बच्चा